आज मैं आपको LT पैनल यानी कि लो टेंशन पैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज LT पैनल। LT पैनल मींस लो टेंशन पैनल। यहाँ पर मैंने एक बार वीडियो में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन 11000/415 वोल्ट के बारे में बताया था। यहाँ पर उसी सब स्टेशन का यह एक सिंगल लाइन डायग्राम को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LT पैनल को दो ट्रांसफार्मर के द्वारा फीड किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 1000 KVA या फिर 1000 kV/A है। इस सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि 11000 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि इस ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट कैपेसिटी 52.48 एम्पियर ST साइट में तथा LT साइट में 1391.2 एम्पियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग में एक एयर सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। चूंकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में रेटेड करंट 1391.2 एम्पियर है, तो यहाँ पर जो भी सर्किट ब्रेकर लगेगा उसकी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 1391 से ऊपर 1600 एम्पियर की एयर सर्किट ब्रेकर लगाया गया है। इस सब स्टेशन में 1000 KVA के टोटल दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LT पैनल में दो एयर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं 1600 एम्पियर के, जो कि रेस्पेक्टिव अपने लोड को फीड करते हैं। यहाँ पर इस LT पैनल में दो सेक्शन है, जिसमें से एक ट्रांसफार्मर एक सेक्शन को सप्लाई फीड करता है तथा दूसरा ट्रांसफार्मर अपने सेक्शन को सप्लाई फीड करता है। LT पैनल के अंदर जो बस बार होती है उसे LT बस बार कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बस कपलर लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। यह इसलिए लगा हुआ है, सपोज किसी एक ट्रांसफार्मर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या हमें एक ट्रांसफार्मर को बंद करना है मेंटेनेंस के लिए तथा हमें पूरे लोड को तथा पूरा LT पैनल को चार्ज करना है, तो उस केस में पहले ट्रांसफार्मर को जिसको हमें ऑफ करना है उसकी मेन एयर सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तथा दूसरे ट्रांसफार्मर की ACB को ऑन कर देंगे तथा बस कपलर को भी ऑन कर देंगे। इस केस में एक ट्रांसफार्मर पर पूरे LT पैनल का लोड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि एक ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी से टोटल LT पैनल का लोड ज़्यादा ना हो। अगर LT पैनल का लोड किसी एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो हम पूरे लोड को किसी एक ट्रांसफार्मर पर नहीं ले पाएंगे, तब उस केस में एक एक फीडर को काटना पड़ जाएगा। तो चलिए अब आपको अपने सब स्टेशन का LT पैनल दिखाते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस सब स्टेशन का LT पैनल यानी कि लो टेंशन पैनल दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LT पैनल में कई सारे स्विच लगे हुए हैं, मेन इनकमिंग के लिए हैं तथा कुछ आउटगोइंग के लिए। अब मैं आपको इस LT पैनल के बैक साइड का व्यू दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LT पैनल के पीछे कुछ इस तरीके से केबल ट्रेंच के अंदर रखी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केबल ट्रेंच के ऊपर केबलों के ऊपर पत्थर की स्लैब रखी हुई है, आयरन प्लेट भी कई जगह रखी हुई होती है। तो इस तरीके से सब स्टेशन में जहाँ भी केबल हो वो केबल ट्रेंच के अंदर कवर होनी चाहिए प्रॉपरली। अब मैं आपको इस सब स्टेशन के LT पैनल में ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग केबलें जहाँ पर कनेक्ट की गई हैं उसे दिखाने ले जा रहा हूँ। यह इस LT पैनल का बैक साइड का व्यू है। यहाँ पर मैं इसको पेज को खोल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग केबलें जो कि LT पैनल के मेन एयर सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट की गई हैं, जिसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर है, आपके सामने यहाँ पर वो केबलें सारी दिख रही हैं। इस केबल का साइज 630 square mm की XLPE केबल। तो यहाँ पर इन सभी केबलों को एक बस बार में कनेक्ट कर दिया गया है तथा बस बार के दूसरे वाले हिस्से में एयर सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। ACB के आउटपुट को इस LT पैनल के LT बस बार से कनेक्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि नीचे ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग केबल है तथा ऊपर LT बस बार है, दोनों के बीच में एयर सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया गया है। अगर ACB ऑन होगी तो सप्लाई नीचे केबल के थ्रू ऊपर LT पैनल के बस बार में चली जाएगी। अगर LT पैनल का मेन ACB ऑफ होगा तो नीचे केबल में जो सप्लाई है ऊपर बस बार में नहीं पहुंचेगी, यानी कि ऊपर पैनल डिस्कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर सिंगल कोर की XLPE केबल का यूज किया गया है, जिसमें हर एक फेज के लिए तीन
630 यानी कि हर फेज के लिए 630 स्क्वायर एमएम की तीन तीन केबलें डाली गई हैं। इसी प्रकार यह दूसरे ट्रांसफार्मर का मेन एयर सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर भी इसी प्रकार से केबलें बस बार में कनेक्ट हैं तथा पीछे एयर सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। अब मैं आपको एलटी पैनल को सामने से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने एलटी पैनल को दिखाया गया है। यह एलटी पैनल 415 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। यहाँ पर दो इनकमिंग मेन एयर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जो कि दो ट्रांसफार्मर के आउटपुट केबलों से फीड होते हैं। इसके बाद यह एलटी पैनल चार्ज हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल फीडर के लिए एक सेपरेट एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर से कम होती है। जैसे कुछ 800 एम्पियर के होंगे, कुछ 400 एम्पियर के होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने एक बस कपलर भी दिख रहा है। बस कपलर की कैपेसिटी भी 1600 एम्पियर है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको एलटी पैनल क्या होता है तथा कैसे काम करता है यह जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।